दोस्तों आज मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को देख करके कहेंगे कि हाँ भाई, इस बात में तो दम जरूर है। और आप ये भी कहेंगे कि आजकल के लोगों में तो ये कूट कूट करके भरी भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए बी से मिलने के लिए जा रहा है। रास्ते में एक थर्ड पर्सन मिल गया, रामू नाम का। अब रामू जो है बी का बुराई ए से करता है। रामू कहता है कि बी का बिहेवियर एकदम गंदा है, वो इस तरह का आदमी है, एकदम घटिया है, फलना है चिल्ला है, एकदम चढ़ा बढ़ा करके जितना भी बुराई हो सके, नेगेटिव बातें हो सके, ए को बता देता है। अब ए के माइंड में बी के प्रति नेगेटिव भावना सेट हो जाती है। अब ए जो है बी से मिलने के लिए जाता है। अब वो जाता है तो भाई जिस काम के लिए गया वो तो ठीक है, वो तो काम हो ही रहा है, हो ही जाएगा। लेकिन जो रामू ने बताया है, जितनी भी बुराई उसको ढूंढने का प्रयास करेगा और वही सब दिखेगा केवल। बाकी बात कौन काम से गया था नहीं गया था वो तो सेकेंडरी में आ जाएगा। प्राइमरी तो ये है कि भाई वो तो बताया था कि इस तरह का है और वही वही दिखेगा आपको। और कहीं भी अगर बी बेचारा अगर सही भी हो, थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर कुछ करे या कहे, तो फिर आपके मतलब वो एक के अंदर में तुरंत सेट है पहले से। वो सोचेगा कि अरे रामू तो ठीक बताया कि ये तो है इस तरह का, और उस जगह पर भी ठीक है। सोचिए तो इस तरह जो है आजकल एकदम खुलेआम हो मतलब हो रहा है, और हो सकता है कि आप भी करते होंगे किसी का बुराई किसी के पास कि भाई फलनवा जो है ना वो इस तरह का है, फलना है चिलना है, वो ऐसा सा काम किया है, ये है वो है। काम तो छोटा सा होगा लेकिन आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इस तरह से बताएंगे चढ़ा बढ़ा करके कि अगला आदमी सुन सुन करके क्या हो जाएगा, दंग रह जाएगा, बोलेगा कि अच्छा इतना घटिया आदमी। अब भाई उसका बुराई तो बता दिए आप, उन लोगों का संबंध जो है आप तोड़ने के विचार में है। पहली बात तो ये बुराई आदमी क्यों बताता है, ताकि संबंध खराब रहे और हमको अच्छा आदमी कहे। उन लोगों का संबंध खराब रहे और हमको अच्छा करे, हमारे साथ संबंध अच्छा रखे, यही सिंपल सा मतलब है। और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, है कि नहीं। अब दोस्तों मान के चलिए अगर बी सही है और ए को अगर इस तरह से बता दिया जाए और ए केवल ढूंढे, तो बताइए अगर उस तरह से चीजें वहां पर मिल भी जाए हल्का फुल्का, अगर हल्का फुल्का भी मिलेगा तो ए कहेगा कि एकदम पूरा मिल गया है, एकदम खत्म आदमी है। तो इस तरह से आजकल हो रही है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज से ही बंद करें, क्योंकि इससे आपके समय की बर्बादी है। आप बताइए बी को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बी जो कर रहा है वो करते रहेगा, ये सिंपल सी फंडा है। और रामू ने आपको बताया, रामू का समय बर्बाद हुआ, आपका बर्बाद हुआ, और आप वहां पर बुराई देख रहे हैं, अच्छाई तो कुछ जान ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी का बुराई आपसे कर रहा है तो करने दीजिए, आप सुनिए आराम से, लेकिन लास्ट में उससे यह भी पूछिए कि ठीक है वो तो गंदा आदमी है, हम तो जान ही रहे हैं, तुम भी जान रहा है, लेकिन ये बताओ उसके अंदर में अच्छाई क्या है, कौन कौन से अच्छे गुण है, अच्छे गुण को भी जान लीजिए। अगर आप उसके गंदे गुण को जाने हैं तो अच्छे गुण को भी जान लीजिए, तब यदि आप उससे मिलेंगे तो फिर वैसा भावना नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छाइयां भी दिखेंगी बुराइयां भी दिखेंगी, लेकिन अगर बुराई ही अगर भर दिया जाए तो फिर केवल वही दिखेगा। एक कबीर जी का दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चरा, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मतलब जब दुनिया में खोजने के लिए निकलेंगे बुराई तो नहीं मिलेगा उतना जितना आपके अंदर में बुराई है। आपसे बड़ा गंदा बुरा कोई नहीं है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसीलिए इस चीज से बचने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी इस तरह से समय का बर्बादी कर रहे हैं तो बंद कीजिए, और अगर कोई व्यक्ति आपसे कर रहा है तो अच्छाई भी जान लीजिए और वैसा बिहेवियर मत कीजिए, ठीक है। अपने से जज कीजिए, दूसरों के जज किए हुए आधार पर आप चलेंगे तो आप फंसेंगे, आपका संबंध बिगड़ेगा, आपका लाइफ खराब होगा, उसी में उलझते रह जाएंगे। अपने से जज कीजिए, जो अपने से जज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे समझेंगे, उसका मजा ही अलग है। उसमें कोई गवाह कोई एविडेंस फलना चिलना की जरूरत नहीं होती है, उसमें आप खुद जस्मदीद गवाह रहेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारी बातें सुनने से भी पता करना चाहिए आदमी को, लेकिन हाँ वेरिफिकेशन हो तब। और हाँ, हर गंदा आदमी में अच्छाइयां भी होती है, उन अच्छाइयों को भी आपको ढूंढना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, ठीक है।
ये छोटी सी बात थी, बहुत लंबा मैंने खींच दिया, आप समझ गए होंगे। हालांकि अगर लेक्चर देने लगे तो आधा घंटा ही घंटा भी पार हो जाएगा, कैसे कैसे बताते रहेंगे बताते रहेंगे। मुद्दा ही रहेगा बुराइयां करना और बुराई करने से क्या क्या चीजें होती है, माइंड नेगेटिव हो जाता है और वही दिखता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप परिपक्व है, परिपक्व लोगों में ऐसी नहीं होती है, कोई आदमी बुराई कर रहा है किसी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परिपक्व आदमी जो है ना, मैच्योर आदमी जो है ना, कुछ नहीं, अपने से जो देखेगा वही समझेगा, ठीक है। और आजकल के लोगों में यह चढ़ा बढ़ा करके कहना, और अगर अच्छाई है तो उसको थोड़ा सा दबा दबा करके कहेगा आदमी, लेकिन आपको खुद से जज करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।